क्या आपको नहीं लगता कि मेरी स्किन पहले से बेहतर हो गई है? मेरे हाथ भी कितने नरम हो गए हैं। ओह हाँ, ये देखिए, अब मैं अचार घर पर ही बनाने लगी हूँ। दरअसल इस अचार में मैंने खूब सारी सब्जियाँ डाली हैं, और सब्जियाँ तो त्वचा के लिए अच्छी होती है ना, देखिए मेरी स्किन। मैं आपको भी थोड़ा सा अचार देती हूँ, खाकर बताइएगा कैसा लगा। ये पेट के लिए भी काफी अच्छा होता है। ओह अच्छा, क्या आप मुझे दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल ले सकती हैं आप। मम, इसमें क्या है? इसे नुकाडुको कहते हैं, इसे नुकाजु के अचार बनते हैं। मैं भी देखूंगा। तुम्हें क्या देखना है, ये नुकाडुको ही है। शेफ शिनचान का कहना है कि बहुत ही अच्छा, मुझे भी अचार बनाना सिखा दो। वो आंटी ने कहा कि नुकाडुको अचार का टेस्ट ठीक से जांचना होता है, और ये करना बहुत जरूरी होता है। हाँ क्या मैं इसे चेक कर देखूं? शिनचान, तुम ये पूरा हो जाने के बाद कर लेना। हाँ, मुझे भी इसे चखना है। सुनो शिनचान, अगर हम हर दिन नुकाजु के अचार खाएंगे तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। कितना अच्छा होगा कि तुम्हारी सुंदर मोम और सुंदर हो जाएगी। अचार बनाने के लिए क्या ऐसे डांस भी करना पड़ता है मोम? ओ हाँ, नुकाडुको की सॉफ्टनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, समझे? ये तो बहुत ही मजेदार लगता है। हाँ मजेदार तो है, अगर तुम्हें करना है तो अपने हाथ अच्छे से धोकर आओ। ठीक है, मैंने हाथ धो लिए मम। ठीक है, अब इसे नीचे से पलटकर अच्छे से मिक्स करो, समझ गए? अच्छा ठीक है। प्यारी अचार को शिनचान आराम से करो। हिमावरी, क्या तुम भी ये करना चाहती हो? ये ले, इसको ऐसे करती हूँ। देखो हिमावरी, अब तुम इसे करके देखो, देखो तो। शिनचान उसे मत सताओ। चलो हम सब्जियों का अचार बनाते हैं। खीरा, बैंगन और ये एवोकाडो जो आंटी ने दिया था, ये बहुत टेस्टी होता है और इसका अचार भी बहुत अच्छा बनेगा। वाह, एडोकाडो। एवोकाडो। गर्मी का मौसम है तो ये अचार आधे दिन में तैयार हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसे डिनर टाइम में खाएं? ऐसा ही करेंगे। देखो, अरे वाह अचार, आज हमने ये घर पे बनाया है। हाँ? मैंने मम की मदद की। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, चलो आप शुरू करते हैं। मैं भी लूंगा। मैं भी। एक बात बताइए, आपको उसमें कोई कमी तो नहीं लग रही है ना? अरे नहीं नहीं मिक्सी, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये। रेडो कावो का जो मीठापन है वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। ऐसी बात है क्या बेटा, मैं भी देखता हूँ। वाह सही कहा तुमने, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मजा आ गया शिनचान। अच्छा मैं भी तो देखूं। ये तो मुंह में जाते ही गल रहा है। आज के खाने का तो वाकई मजा आ गया है मित्सी। हाँ ये अचार एक टेस्टी साइड डिश है, और जानते हो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, तभी तो ये खाने में भी बहुत ही अच्छा है। मैं इसे खाकर बहुत खुश हूँ। अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही पौष्टिक खाना है। तुम दोनों अभी कितनी तारीफ करोगे। मम, मुझे ये अचार कल लंच में भी खाना है। ठीक है दे दूंगी। हाँ बोलो शिनचान, क्या हुआ? योशिनागा मैम, बताइए आपको क्या पसंद है? कच्चे आम का अचार पसंद है? हाँ क्यों? हाँ मैंने और मेरी मॉम ने घर में अचार बनाया है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताऊँ, मुझे कच्चे आम पसंद है, जब भी सुपरमार्केट जाती हूँ जरूर खरीदती हूँ। ना समझ। योशिनागा मैडम, आप नुकाजु के पिकल्स के बारे में क्या कहेंगी? हाँ एक बात बताऊँ, मुझे वो पिकल भी बहुत पसंद है। पता हाँ? था हाँ, क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। पता है कच्चे आम के अचार का रंग बहुत जल्दी बदल जाता है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि उसका रंग ना बदले। इस अचार में बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, जैसे उसमें डालते हैं, बताओ, तेल। तेल तो सभी में डलता है। और डालते हैं लाल मिर्च। आगे बोलो। हाँ पुराने जमाने में अचार का स्वाद बदलने के लिए लोग लौंग भी डाला करते थे। हाँ लगता है मात्सुजाका मैम को अचार डालना आता है। मैंने अचार बनाना अपनी दादी से सीखा है, और 10 साल से भी ज्यादा हो गए कुछ भी नहीं जानती। हाँ? तो ये बात है। अब मुझे अचार बनाना आता है तो मैंने बता दिया। अरे मम तो सो रही है। हेलो प्यारी अचार, क्या तुमने मुझे मिस किया?
तुम्हारी खुशबू तो लाजवाब है। ठीक है, मैंने टेस्टी अचार बनाने का फैसला किया है। चॉको चिप्स कितने सुंदर लग रहे हैं, ये ज्यादा मीठा ना हो जाए। चलो नमक डालते हैं। काफी है, चलो कुछ और भी डालती हैं। ये तो डैड की घड़ी है। ये भी ले लेता हूँ। सुनिए मैम, सुनिए मैम, क्या इसमें आयरन की शक्ति होगी? हाँ है बेटा। अरे वाह, ये सही रहेगा। अचार को मिलाई, कोमल हाथों से मिलाई। आज रात को मैं सबको डिनर में अचार दूंगी, देखूं तो कितना बचा है। हाँ, ये किसने किया? शिनचैन, शिनचैन यहाँ आओ। क्या हुआ मॉम? मैं एक्शन कामिन का लेटेस्ट एपिसोड देख रहा था। ये किसने किया है? इसमें तुमने ये सब क्या डाला है? ये बढ़िया अचार मैंने बनाया है मॉम। ये अचार बढ़िया नहीं है, इससे अचार और खराब हो जाएगा। ये क्या है? ये तुम्हारे डैड की घड़ी है। इसमें आयरन की शक्ति जो डालनी थी। ये आयरन नहीं है। एक और चीज है। भरपूर आयरन की शक्ति वाला आपका नेकलेस। शिनचैन, तुम तब सुधरोगे। मेरी नेकलेस का क्या हाल कर दिया? तो तुम गए। आज हम नैनी के साथ लंच करेंगे। सुनिए मैम, आज हम लंच में क्या खाने वाले हैं? मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि वो भूखा है मैम। एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है स्टेशन के सामने, देखो कैसा है। ओह, ये तो हाफ प्राइस पर है, मुझे हाफ प्राइस पर ना आता है मैम। आज तुम यहाँ पर जो चाहो खा सकती हो नानी। हेलो नानी। शिनचैन, नैनी क्या तुम भी अपनी मॉम के साथ हाफ प्राइस पे लंच करती हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम सब साथ में लंच करेंगे, है ना मॉम? क्या हम तुम्हारे साथ लंच ले सकते हैं? लेकिन यहाँ पर तो टेबल खाली नहीं है। आप सबका स्वागत है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कितने लोग हैं? हम साथ तीन छोटे बच्चे हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे वाह, ये टेबल तो राउंड राउंड घूमती है। माना कि ये हाफ प्राइस है, पर महंगी चीजें ऑर्डर करूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कम से कम सस्ती चीजें ऑर्डर करनी चाहिए। मुझे पता है कि मिसेस नोहारा यही सोच रही होंगी कि मैं यहाँ क्या ऑर्डर करूंगी। तो आप सब क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मेरे लिए हाई क्लास शार्क फिन सूप डम्पलिंग्स, साथ में प्रॉन विद चिली सॉस और स्पेशल मिक्स्ड फ्राइड राइस प्लीज। और मेरे लिए प्रीमियम किड्स चाइनीज सेट प्लीज। ठीक है भैया, हम भी सेम आइटम्स खाएंगे, बस डबल ले आना है। ये सुनिए, उसकी नहीं मेरी बात सुनिए। क्या मंगाऊं, क्या मंगाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा, नॉर्मल फ्राइड राइस और सूप। मैं सोया चाप खाना चाहता हूँ मॉम, वो भी रुमाली रोटी के साथ। यहाँ पे रुमाली रोटी नहीं मिलती, और अगर यहाँ ज्यादा खाएंगे तो घर पे डिनर नहीं कर सकते हैं। क्या घर पे कुछ खाना बना भी है? वो पता चलेगा। ये है आपके लिए आइस जैस्मिन टी, इसमें आपको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा, एंजॉय। मॉम पिछली बार की तरह टी बैग्स और शुगर ले चलिए गर्ल। मुझे एक कप ये आइस जैस्मिन टी मिलेगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। लाओ मॉम, मैं डाल रही हूं। नहीं बेटा, तुम गिरा दोगी। लाओ मैं कर देती हूँ। क्या आप ठीक है? ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, हिमावरी की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी गलतियाँ तो हो जाती हैं। लीजिए आपका ऑर्डर आ गया, और ये रहा आपका ऑर्डर, अपना लंच एंजॉय कीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तो ये जरी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हिमावरी। खुशबू तो लाजवाब है। मुझे ऐसे मत
देखो नैनी ने तो हेमावारी को दे दिया है, अब मैं नहीं दूंगी तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। क्या करूं? ठीक है, हम शेयर करते हैं। आंटी अभी कैरिंग में विश्वास रखती हैं। वो तो सभी केयर करते हैं शिनचान। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या अब हम खाना खाना शुरू करें? तो चलिए मैं सर्व कर देती हूँ। आराम से शिनचान, इतनी जल्दबाजी मत करो, हम सबको खाना है। मैं बस थोड़ा सा ही चखूंगा। मिसेस साकुदाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, देरी के लिए माफी चाहूंगी। ये रहा आपके लिए स्पेशल फ्राइड राइस और ये रहा आपके लिए नॉर्मल मिक्स्ड फ्राइड राइस। कितना सादा खाना है। नहीं, ये तो कितना अच्छा दिख रहा है। करना चाहेंगी क्या? सच में हम टेस्ट करें? तो चलिए मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने कहा ना शिनचान, ज्यादा जल्दी मत करो, हम सबको खाना है। चलो थोड़ा चखते हैं। हम आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? थोड़ा लीजिए ना। क्या कहा थोड़ा? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आप भी हमारा खाना थोड़ा चखकर देखिए ना। अब हम सब साथ में लंच करेंगे। हाँ बेटा, ये खाकर मजा आ गया। माफ करना, आपको इंतजार करवाया। ये रहे हाई क्लास शार्क फिन सूप डंपलिंग और ये है आपका ऑर्डर स्टैंडर्ड नॉर्मल सूप डंपलिंग। और ये है प्रीमियम चाइनीज किड सेट, ऑर्डर करने वाले बच्चों के लिए गिफ्ट। एंजॉय कीजिए बच्चों। वाओ! रुको रुको, तो फिर मैं इसमें से क्या लूं? मैं ये वाला नेकलेस लूंगी। ये तो बहुत ही सुंदर नेक पीस है, पर अभी तो ये खराब हो जाएगा, मैं अभी से रख देती हूँ। रुक जा, तुम लोग क्या कर रहे हो? नैनी मत करो। हेमावरी, मैंने कहा नहीं। नैनी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये तुम्हारा नहीं, नैने का है। देरी के लिए माफी चाहूंगी। अरे लगता है हेमावरी को ये पसंद आ गया। चलिए इससे पहले कि ये ठंडे हो जाए, हम सूप डंपलिंग्स खा लें। लेकिन ये दोनों डंपलिंग्स तो बिल्कुल एक जैसे हैं। शायद ये वाला हमारा होगा। नैनी बेटा, ये गर्म होगा, इसको आराम से खाना। ठीक है। ये तो बहुत टेस्टी है। इसे थोड़ा ठंडा करो और फिर खाना। हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं भी खाती हूँ। सुनिए मॉम, क्या मैं आपके लिए ठंडा कर दूँ प्लीज? ठीक है, कर दो। ओ नहीं, ये तुमने क्या कर दिया शिनचान? देखिए मम, इसके अंदर तो चाउमीन रखी हुई थी। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, ये तो आपका खाना था ना, माफ करना शिनचान ने इसे भी खा लिया। कोई बात नहीं, सब मिल बांट कर एक साथ खाते हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अरे अच्छी बात है, अभी भी दो बचे हुए हैं। ठीक है नानी, ये रहा तुम्हारे लिए। ठीक है। जरा मैं भी। आपका शुक्रिया आंटी। शिनचान, तुमने ऐसा क्यों किया? ये नेने की मॉम का सूप डंपलिंग था, न जाने कब सुधरोगे तुम। हम करेंगे मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैं लेट हो गया। उसका कारण तुम ही हो। अरे आज मैंने बहुत एक्सरसाइज की, मैं मुझे दो स्टैम दीजिएगा। क्या तुम बस जोर जोर से सांस ले रहे थे, तुमने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की।
मॉम ने मेरी बदले की भी एक्सरसाइज कर ली तो फिर मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज एक्सरसाइज का पहला दिन था, मैं बहुत थक गया हूँ दोस्तों। अगर हम बहुत सारे स्टैम्प्स कलेक्ट कर लें तो हमें मिलेगा एक्शन बॉल पेन। मुझे वो बॉल पेन चाहिए। तुम तो पहले दिन ही लेट हो गए शिनचैन, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, समझ गए? मुझे ये करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कज़ामा, मदद करोगी ना? मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? मैं तुम्हारे सामने मदद के लिए खड़ा हूँ कज़ामा। तुम्हें कैसी मदद चाहिए? सुबह सुबह मेरी नींद नहीं खुलती तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं ताकि मैं लेट ना हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ही नहीं सबको लगता है कि तुम्हारी वजह से हम स्कूल वक्त पर पहुँच सकते हैं। मैं आ गई कज़ामा, तुम्हारा शुक्रिया। देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह बच्चों, तुम सब एक साथ यहाँ, क्या बात है? आंटी हम सब यहीं पर रहेंगे। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। आपका शुक्रिया। नहीं नहीं बच्चों, अब तो मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। कज़ामा, तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, प्लीज सब अंदर आ जाओ। अरे मॉम। कज़ामा, तुम अपने दोस्तों को जरा जूस पिलाओ, तब तक मैं शॉपिंग। आप लोग थोड़ा और लो ना बेटा। सलाद कैसा लगा? ये लो। अरे वाह, ये लो। मैं लाइट बंद कर। अभी रुको। सब लोग सो गए क्या? मैं नहीं। नहीं अभी नहीं। मैं भी नहीं। कज़ामा, कज़ामा तुम सो गई? कज़ू। कज़ामा उठो, मुझे कुछ कहना है। क्या बात है? गुड नाइट। सोने ही जा रहे हो तो मुझे क्यों उठाया? तुमने ये कहानी सुनी है? एक लड़का हर रोज की तरह रेडियो एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा था। थोड़ी देर हो गई, इसलिए उसे एक्सरसाइज करने के लिए इंतजार करना पड़ा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, उससे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, तो उसे लगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ठीक है, अपने हाथ वैसे रखो और अब पीछे मुड़ के देखो। वो नैनी ने डरावनी कहानी सुनाई थी तो। तुम कह रहे हो कि ये मेरी गलती है? क्या तुम छोटे बच्चे हो? बंद करो ये सब। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि हमें जल्दी सोना चाहिए। सब लोग सो जाओ, जानते हो कल और कल के बाद से हमें रोज सुबह जल्दी उठना है ताकि हमें एक्शन कामिन बॉल पेन मिल सके। को नींद नहीं आ रही है। हाँ? देखो कज़ामा तो रहा। मुझे उसे उठाना आता है, देखो और सीखो। हेलो, मुझे क्यों उठा रहे हो? जाकर सोते क्यों नहीं? जाओ जाकर सो जाओ। देखो कहाँ है। मैं यहाँ ऐसे नहीं सो सकता। सुनो,
बाहर रोशनी हो रही है। हाँ? अब हमें उठ जाना चाहिए दोस्तों, जानते हो जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे वाह मसाओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। ऐसी बात है, और तुम्हें क्या लगता है? सही है, चलो अब उठ जाते हैं। हम बाहर भी नहीं जा सकते। पर बाहर जाने तक हम क्या कर सकते हैं? चलो योगा करते हैं। योगा ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को डराएं। मसाओ तुम्हें डराना तो बहुत ही आसान है। बस करो शिनचैन। चलो दोस्तों अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सच बताऊं तो मुझे एक्सरसाइज में बहुत मजा आता है। हाँ, अब मैं दो दिन लगातार एक्सरसाइज करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। कजामा, अरे कजामा बेटा उठ जाओ, रेडियो एक्सरसाइज का वक्त हो गया। शिनचैन, मसाओ, नैनी, वो सब उठ जाओ, एक्सरसाइज के लिए देर हो जाएगी। ओह, कोई नहीं उठ रहा। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकते, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन।